हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की स्टूडियो में हम लोग बात करने हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि व्हाट्सएप पे एक नया अपडेट आ गया है। जैसे हम लोग कभी भी किसी को मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप में और उसको हम लोग को अर्जेंटली उसको डिलीट करना पड़ता है, और जल्दी जल्दी में हम लोग उस मैसेज को डिलीट करने जाते हैं और गलती से डिलीट फ्रॉम एवरीवन की जगह डिलीट फ्रॉम मी हो जाता है, जिसमें जो मैसेज है बस हम लोग के फोन में डिलीट होता है, वो सामने वाले पर्सन के फोन से डिलीट नहीं होता है। सो इसी को देखते हुए व्हाट्सएप ने एक नई अपडेट ला दिया है, जिसमें अगर हम लोग कभी भी किसी को गलती से मैसेज कर देंगे और उसको हम लोग चाहते हैं डिलीट फ्रॉम एवरीवन करने की जगह जल्दी से हम लोग डिलीट फ्रॉम मी पे क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग के पास कुछ टाइम रहता है कि उसके अगर अंदर हम लोग उसको दोबारा से रिकवर कर लेंगे तो हमारा जो मैसेज है दोबारा से रिकवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेस को देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, हमने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूं, जैसे कि ये देख सकते हैं ये चैट है, तो इसमें मैं कोई भी चैट्स ऐसे लेटर्स हमें इसमें मैसेज कर देता हूं, उसमें ढेर सारे मैंने मैसेज कर दिए हैं। और इसमें देख सकते हैं अगर आप लोग अगर कोई भी मैसेज को डिलीट करना है तो उसमें हम लोग को क्या ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसको हम लोग देर तक ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे बस तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिलीट फ्रॉम एवरीवन, डिलीट फ्रॉम मी और कैंसिल का ऑप्शन मिलता है। अगर हम लोग डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर देते हैं तो मैसेज जो है दोनों पर्सन साइड से डिलीट हो जाता है, मेरे से भी डिलीट हो जाएगा और जिस पर्सन को हम लोगों ने मैसेज कर रखा है उसके पास ये जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा। और गलती से अगर हम लोग कभी किसी को भी हम लोग मैसेज जैसे ये मैसेज है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन देखे और हम लोग गलती से उसको डिलीट फ्रॉम एवरीवन करने की जगह बाय मिस्टेक इसको हम लोग डिलीट फ्रॉम मी कर देते हैं, तो उसके बाद देख सकते हैं कि ये हमारे में से तो डिलीट हो गया लेकिन ये मैसेज जो है सामने वाले पर्सन तक रहेगा, उसके में से डिलीट नहीं होगा। लेकिन अब जो है एक नया अपडेट आ गया जिससे हम लोग इसको तुरंत से रिकवर कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूं कि उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें ये मैसेज है, इसको मैं यहां पे से डिलीट कर रहा हूं और अगर बाय मिस्टेक मैं इसको डिलीट फ्रॉम मी पे क्लिक कर देता हूं, तो अब जैसे मैं इसको डिलीट फ्रॉम मी पे कर दिया हूं, देख सकते हैं मैसेज डिलीटेड फ्रॉम मी और यहां पे अंडू का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग जैसे इसको अंडू पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद देख सकते हैं ये मैसेज आपके फोन में दोबारा से रिकवर हो गया, आपके में दोबारा से आ गया। मैं एक बार फिर से आप लोगों को करके दिखा देता हूं। जैसे कि हम लोग इसको डिलीट फ्रॉम एवरीवन की जगह डिलीट फ्रॉम मी कर देते हैं और देख सकते हैं मैसेज डिलीटेड फॉर मी और यहां पे अंडू का ऑप्शन है, तो इसको हम लोग अगर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो मैसेज है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा, सामने वाले पर्सन के पास नहीं जाएगा, यहां पे से आपके फोन से जो है वो दोबारा रिकवर हो जाएगा अगर हम लोग गलती से इसको डिलीट फ्रॉम मी कर देंगे। और अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो बस इसको आप लोग इसे लॉन्ग प्रेस करिए और डिलीट पे जाने के बाद डिलीट फ्रॉम एवरीवन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो आपके जो चैट है वो बोथ साइड से डिलीट हो जाएगा। गाइस, ये था व्हाट्सएप का एक जबरदस्त अपडेट जिसमें हम लोग अपने किसी भी मैसेज को डिलीट करने के बाद उसको हम लोग दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो अब तक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आप सबसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।